नमस्कार, स्वागत है आपका खबर उत्तराखंड में और मैं हूं आपके साथ दुर्गेश पांडे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में पैच रिपोर्टिंग ऐप का शुभारंभ किया। आपको बता दें कि मोबाइल ऐप लोक निर्माण विभाग द्वारा सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के लिए बनाया गया है। इसके माध्यम से अब कोई भी व्यक्ति अपने आसपास सड़कों पर पाए जाने वाले गड्ढों की फोटो खींचकर पूरी जानकारी के साथ अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है, जिसका समाधान एक सप्ताह के अंदर कराया जाएगा और शिकायतकर्ता को ऐप के माध्यम से दर्ज शिकायत पर हुई कार्रवाई के विषय में भी चित्र समेत जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। वहीं मुरादाबाद में बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा जिला कार्य समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें संगठनात्मक विषयों अल्पसंख्यक समाज के बारे में चर्चा करने के साथ ही प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम पर विस्तृत चर्चा की गई। साथ ही दीप प्रज्वलन और अतिथिगण के स्वागत करने के बाद कार्य समिति को संबोधित करते हुए मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष इंतजार हुसैन ने कहा कि वर्ष 2023-24 में कार्य करने की योजना बनाते हुए इस पर अमल करने के लिए कार्य समिति में चर्चा होनी है। अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज को किस तरह से मजबूत किया जाए और उन्हें सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ मिले, इस पर भी कार्य समिति में चर्चा की जा रही है। कार्य समिति में कामकाजी, राजनीतिक और सामाजिक प्रस्ताव बनाए जाते हैं। आज आयोजित कार्य समिति 3 सत्रों में हो रही है, जिसमें प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम पर विस्तृत चर्चा अहम है। भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चे की जिला कार्य समिति आज काशीपुर में संपन्न हो रही है और इसको लेकर मैं अपने अल्पसंख्यक मोर्चे के जिला अध्यक्ष रिजवान जी को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और इस कार्य समिति के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के जो संगठन के आगामी कार्यक्रम है उसको लेकर यहां पर चर्चा की जाएगी। आज यहां पर हमारे अल्पसंख्यक मोर्चे के जिले के पदाधिकारी, हमारे प्रदेश के पदाधिकारी, वहीं जिलाधिकारी की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट में जनपदीय सड़क सुरक्षा समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने जिले में सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। वाहन दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने को लेकर जिलाधिकारी ने सीओ, एसडीएम और परिवहन विभाग को समय समय पर चेकिंग अभियान चलाते हुए ड्रिंक एंड ड्राइव के मामलों पर सख्ती से कार्रवाई करते हुए चालानी कार्रवाई में भी तेजी लाने के निर्देश दिए। साथ ही जनपद में फिटनेस वर्कशॉप से गाड़ियों की हो रही फिटनेस की भी जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश परिवहन विभाग को दिए गए। इंडिविजुअल के ब्रेन के केवल 2 ही एक्सीडेंट है, एक ट्रक का और एक टैक्सी का। जो महीने में जो हमारे पास डिटेल आई है उसमें लगभग अभी तक के एक्सीडेंट्स का नंबर 22 है और अप्रैल में लगभग 7 एक्सीडेंट्स हुए थे, तो उसमें लेकिन हमारा जो चालानों की संख्या है वो सब्सटेंशियली बढ़ी है और लास्ट ईयर के कंपेरेटिवली हम लोगों ने लगभग 2.5 गुना से ऊपर हमारे चालान होते हुए नजर आ रहे हैं और शराब के चालानों की संख्या भी हम लोगों ने बढ़ाई है। फर्दर भी मैंने यही टारगेट दिया है कि जल्दी से जल्दी शराब के चालानों को बढ़ाया जाए और हमारा क्रैश बैरियर का अप्रैल मंथ का लगभग 1400 मीटर की प्रोग्रेस हमें और मिली है। 2 ही एक्सीडेंट है, एक ट्रक का और एक टैक्सी का, जो कि ऑर्गेनाइज सेक्टर के व्हीकल माने जाते हैं। वही मामला दिनेशपुर थाना क्षेत्र के काली नगर का है, जहां एक व्यक्ति ने थाने में अपनी नाबालिग बेटी की गुमशुदगी की आज से 14 दिन पहले पुलिस के सामने तहरीर दी थी। पुलिस ने गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज कर लिया था। पुलिस मुकदमे की सूचना
पर छानबीन करते हुए लड़की को एक युवक के साथ रामपुर से बरामद किया। आरोपी कालीनगर गांव का ही निवासी है और पहले से ही शादीशुदा है। वहीं पुलिस ने कार्रवाई करते हुए युवक को हिरासत में लेकर पीड़िता के बयान पर कार्रवाई करते हुए पॉस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उसे जेल भेज दिया। मामले पर थानाध्यक्ष अनिल उपाध्याय ने बताया कि नाबालिग लड़की के बयान के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अभियुक्तों को पॉस्को एक्ट के तहत आईपीसी की विभिन्न धाराओं में न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। कि नाबालिग पुत्री को कोई भगा के ले गया है तो इस पे तत्काल हमारे द्वारा एफआईआर दर्ज करवाई गई और 350 आईपीसी में अभियोग पंजीकृत कर विवेचना मनोज एसआई हैं और उन्हें दी गई थी। उनके द्वारा सीसी कैमरे और सर्वलांस की मदद से ये अभियुक्त कालिदास पुत्र स्वर्गीय ललित सरकार निवासी कालीनगर थाना दिनेशपुर जिला उधम सिंह नगर को मैं बालिका के गिरफ्तार किया गया है और बालिका के जो बयान दर्ज करें तो उसके हिसाब से 363, 366 और 376 और 5/6 पोक्सो एक्ट की धारा की बढ़ोतरी करते हुए विवेचना की गई है। वहीं देहरादून के क्लेमेंट टाउन पुलिस ने एक ऐसे शातिर गैंगस्टर को गिरफ्तार किया है जिसने फर्जी दस्तावेजों के जरिए 11.50 करोड़ की जमीन का सौदा कर दिया। एसएसपी दिलीप सिंह कुंवर ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि 4.5 करोड़ रुपए एडवांस की जमीन खरीदने वाले ने आरोपी समीर कामयाब को दिए, लेकिन जब उसे पता चला कि उसके पास फर्जीवाड़ा हुआ है तो पुलिस से शिकायत की। एसएसपी ने बताया कि समीर कामयाब पर पहले भी कई मुकदमे दर्ज हैं और इस फर्जीवाड़े में कांग्रेस के बड़े नेता विजय शाश्वत का भी हाथ है। एक बीघा का जमीन है लेमन टाउन थाना क्षेत्र में सारणपुर लोकेशन है और बहुत प्राइम लोकेशन पर है। इस जमीन को के खरीदारी को लेकर के इसको फर्जीवाड़ा तरीके से बेचने को लेकर के एक समीर कामयाब नाम का व्यक्ति है जिसने इसको फर्जी कागजात तैयार किए और इस जमीन को बेचने में जो है अशोक अग्रवाल है इलेक्ट्रॉन जुड़ा सिद्धक रहने वाला है उसने जब उसे जानकारी मिली कहीं तहसीलदार देने पर अन्य लोगों के माध्यम से इसमें जो है मकाई लिख पाया। वहीं हरिद्वार में हिल बाईपास मार्ग पर राजाजी टाइगर रिजर्व में पुलिस और बाइक सवार दो चैन स्नेचर की जबरदस्त मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में आरोपियों ने पुलिस पर गोलियां चला दी जिसके जवाब में पुलिस को भी कार्रवाई करनी पड़ी। मुठभेड़ के दौरान यूपी के शाहजहांपुर निवासी चैन स्नेचर मोहित के पैर में गोली लगी जिसे घायल अवस्था में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दिन दहाड़े इस मुठभेड़ की सूचना से शहर में हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंचे एसएसपी समेत आला अधिकारियों ने घटना की जानकारी ली। देखिए इसमें कल एक ज्वालापुर क्षेत्र में शाम को एक चेन स्नैचिंग हुई थी और इसमें पूर्व में भी कुछ स्नैचिंग की वारदातों की खबर आ रही थी। इस पर एक टीम ने इसमें लोकेट किया था तो इसमें एक संदिग्ध गाड़ी का नंबर मिला था। उस गाड़ी को जब ट्रैक कर लिया गया तो आज फिर पता चला कि ये गाड़ी से मूवमेंट हुआ इधर की तरफ और हिल बाईपास की तरफ। तो हमारी जो एसओजी की टीम और ज्वालापुर और रानीपुर की टीम को इसमें लगाया गया था अनावरण के लिए। तो ये हिल बाईपास का जो जंगल है उधर की तरफ दो बदमाश भागे मोटरसाइकिल छोड़कर, तो जहां पर जवाबी कार्रवाई में क्योंकि जब घिर गए वो तो फायर किया। वहीं रुड़की के मंगलौर क्षेत्र से 3 लावारिस शव निकाले गए। मामले पर जानकारी देते हुए जलवीर मोनू ने बताया कि 3 लावारिस शव निकाले गए हैं जिनमें से 2 शव पुरुष और 1 शव महिला का है।
इनमें से एक की उम्र लगभग 50 वर्ष और एक की उम्र लगभग 20 वर्ष बताई जा रही है। साथ ही बताया कि 200 नगद जाल से निकाले गए और 100 महिला का है जो कि मैंगलोर क्षेत्र से निकाला गया। फिलहाल अभी तक शवों की कोई पहचान नहीं हो पाई है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। आज निकाले, तीन सब निकाले, दो आपस में डाम से निकाले। एक लुंडा जवान है 20 साल का, एक है 50 साल का बुढ़ा गरीब का, और एक है लेडीज, वो 50 साल की लेडीज होती है, वो निकाली है मंगलोर पार्क से। कैसे सूचना मिली थी आपको? क्यों, मुझे पुलिस ने बुलाया था, 100 नंबर से फोन आया था मुझे, माटी चेहरे चल दी, उन्होंने फोन करा था मुझे। क्या इनमें से किसी की शिनाख्त हो पाई है? अभी तक नहीं है, अभी तक ये लावारिस है। वहीं जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर गांव के निवार मंजी में हाईकोर्ट के आदेशों के बाद उप जिलाधिकारी जसपुर के नेतृत्व में अवैध अतिक्रमण पर गरीब गुरबाओं के मकानों पर बुलडोजर चला। अतिक्रमण की कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद रहा। इस दौरान अपना आशियाना टूटता देख दो महिलाओं की हालत खराब हो गई, जिसके बाद उन्हें सरकारी चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। आपको बता दें कि निवार मंजी के एक व्यक्ति ने गांव में अतिक्रमण हटाने को लेकर हाईकोर्ट में पीआईएल डाली थी, जिसमें हाईकोर्ट के आदेशों के बाद अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाया गया। मामले पर जानकारी देते हुए उप जिलाधिकारी ने बताया कि लगभग 30 मकान हैं जो अतिक्रमण की जद में है, उन पर कार्रवाई की जा रही है। हाईकोर्ट के इसमें निर्देशक के उसमें एक डायरेक्शन दिया था हम लोगों को कि इसमें कि जो निवार मंडी में जो अतिक्रमण है, चार पर्टिकुलर खसरे थे उसमें, तो उस उन खसरों में जो भी अतिक्रमण था उसको हटाने के निर्देश दिए थे, तो उसी के क्रम में आज यहाँ पर कार्रवाई की जा रही है। यहाँ पर लगभग 30 मकान होंगे, परिवार तो ज़्यादा है इसमें, 30 मकान होंगे जो अतिक्रमण की जगह। आर्मी अब अपने भूतपूर्व सैनिक और वीरंगनाओं की समस्याओं के समाधान को लेकर स्पर्श कार्यक्रम अल्मोड़ा में 22 राजपूत रेजिमेंट के गोरखा हाल में आयोजित किया गया, जिसमें सैकड़ों भूतपूर्व सैनिकों और वीरंगनाओं द्वारा अपनी समस्याओं को सैन्य अधिकारियों के सामने रखा गया, जिसका अधिकारियों द्वारा उनकी समस्याओं का निवारण मौके पर किया गया। वहीं स्पर्श कैंप के कर्नल विनोद कुमार ने बताया कि देश भर में पूर्व सैनिकों और वीरांगनाओं की समस्याओं के समाधान के लिए कैंप आयोजित किया जा रहा है। सीनियर हायरार्की है, उसका उसकी सोच यह है कि पहले जो हमारे भूतपूर्व सैनिक हैं, जो वीरांगना हैं, वीर नारियां हैं और जो उनके एनओके हैं, उनकी बहुत सारी समस्याएं हैं, पर चूंकि वो लोग रिमोट एरियाज में रहते हैं और हर जगह पर वो मुख्यालय पे जा नहीं पाते हैं अपनी समस्याओं को बताने के लिए, तो हमारी हायरार्की आर्मी की ये सोचती है कि उनको बुलाने की बजाय हमें उनके घरों पे जाना है और ये चेक करना है कि उनको कोई समस्या तो नहीं है। कई बार समस्याएं जैसे कि उनकी पेंशन से रिलेटेड, वहीं जनपद चमोली के विकासखंड पोखरी के बामनाथ मंदिर में इन दिनों श्रीराम कथा का आयोजन महिपाल भंडारी के द्वारा किया जा रहा है, जिसमें भव्य राम दरबार गणेश शिव राधा कृष्ण की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। वहीं राम कथा के चौथे दिन श्रीराम का जन्म हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। कि यहाँ बाम ऋषि आए थे
तप करने के लिए जी। तो भोलेनाथ की उन्होंने तपस्या करते करते तो भोलेनाथ प्रकट हुए जी। तो भोलेनाथ ने कहा वरदान मांगो। उन्होंने कहा जी मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मेरा नाम अपने नाम के साथ जोड़ दीजिए जी। तो उसके शिवलिंग के रूप में भोलेनाथ यहीं रह गए और बाम ऋषि के नाम से बामनाथ महादेव यहाँ का नाम पड़ा और बड़ी सिद्ध पीठ है। मेरा नाम महिपाल सिंह भंडारी, ग्राम सांकरी। हमारे यहाँ मंदिर में बामनाथ में राम कथा का आयोजन हो रहा है जिसके व्यास जी हैं श्री अनिल अटवाल जी, और आप सभी क्षेत्र वालों से अनुरोध है कि राम कथा सुनने का कष्ट करें। और हमने यहाँ पे भगवान भोलेनाथ की कृपा से हम यहाँ पे भगवान श्री गणेश भगवान माँ दुर्गे माँ और राम दरबार शिव परिवार और राधे कृष्णा और नंदी देवता की मूर्तियों की स्थापना कर रहे हैं। चमोली के बामेश्वर मंदिर में श्री राम कथा का आयोजन किया गया है। आपको बता दें कि कथा के चौथे दिन श्री राम जन्म की कथा हुई और कई मूर्तियों का प्राण प्रतिष्ठा होने है। और आपको बता दें कि कथा के दौरान भारी तादाद में श्रद्धालु उमड़ रहे हैं और राम कथा का श्रवण कर रहे हैं। बामेश्वर महादेव मंदिर में रामकथा का आयोजन हुआ है और आपको बता दें कि इस दौरान भारी संख्या में श्रद्धालु कथा में शामिल हो रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में 16 प्रस्ताव पर कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दी। आपको बता दें कि नीतिगत फैसलों के लिए समय समय पर कैबिनेट की बैठक आयोजित की जाती है। इस बैठक में कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल, सतपाल महाराज, धन सिंह रावत, सुबोध उनियाल, सौरभ बगुना शामिल हुए। कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी मुख्य सचिव एसएस संधु ने दी और मामले पर जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश में अब कक्षा 6 से 12वीं तक के छात्रों को छात्रवृत्ति का लाभ मिलेगा। आज की कैबिनेट में कुल 16 मत आए। इसमें पहला मत जो था शिक्षा प्राथमिक शिक्षा विभाग का था, जिसमें ये काफ़ी समय से लंबे था जो ब्लॉक रिसोर्स पर्सन और सेंट्रल रिसोर्स पर्सन इनकी भारत सरकार द्वारा इनको ऑनरेरियम पे रखा जाना है। तो ये कुल 285 BRC और 670 CRC रखे जाएंगे, कुल 955। इनको 40,000 रुपया प्रति माह दिया जाएगा। वहीं अल्मोड़ा में स्कूली बच्चों ने रैली निकाली और फास्ट फूड आइटम की जगह मोटे अनाज के इस्तेमाल को लेकर लोगों से अपील की। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय और एसोचैम की तरफ से श्री अन्न मेला रैली का आयोजन किया गया। ये यात्रा रघुनाथ सिटी मॉल से शुरू हुई और श्री अन्न मेले रैली चौधान पाटा तक रैली का आयोजन हुआ। इसमें अनाज मक्का, बाजरा, मंडुआ, कौड़ी जैसे मोटे अनाजों की खेती को बढ़ावा देने और डेली डाइट में शामिल करने के लिए जागरूक किया गया, जिसमें स्कूली बच्चों ने हिस्सा लिया। ये 200 बच्चों की एक रैली निकाली है ताकि जो कॉमन पब्लिक है, जो अल्मोड़ा की जनता है जिनके जीवन से मोटा अनाज अब गायब हो गया है, बहुत कम कंज्यूम होता है, उनको ये बताया जाए कि इसके क्या स्वास्थ्य लाभ हैं और इसको कंज्यूम हम जो रेगुलर हमारे डेली के फूड हैं जैसे कि पिज़्ज़ा है, मोमोज है, मैगी है, उस तरीके से भी कंज्यूम किया जा सकता है। लोगों की जो धारणा है कि मंडुआ या जो मोटा अनाज है वो सिर्फ रोटी और चावल ही है, ऐसा नहीं है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में पैच रिपोर्टिंग ऐप का शुभारंभ किया। आपको बता दें कि मोबाइल ऐप लोक निर्माण विभाग द्वारा सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के लिए बनाया गया है। इसके माध्यम से अब कोई भी व्यक्ति अपने आसपास सड़कों पर पाए जाने वाले गड्ढों की फोटो खींचकर पूरी जानकारी के साथ अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है, जिसका समाधान एक सप्ताह के अंदर ठीक करवाया जाएगा और शिकायतकर्ता को ऐप के माध्यम से
दर्ज शिकायत पर हुई कार्रवाई के विषय में भी चित्र समेत जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश में अरबों रुपए के शत्रु संपत्ति को कब्जों से मुक्त कराने की मुहिम जारी कर दी है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पिछले दिनों सरकार को राज्य में ऐसी 69 संपत्तियों के होने की सूची सौंपी, जिस पर अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने कहा कि जिलाधिकारियों ने इन संपत्तियों की पहचान कर ली है। जिलाधिकारियों की ओर से कब्जे छुड़ाने की कार्रवाई के तहत नोटिस चस्पा किए जा रहे हैं। कुछ स्थानों से संपत्तियां कब्जे में लेने की भी सूचना है। वहीं इस पर लैंसडाउन से बीजेपी के विधायक महंत दिलीप रावत ने कहा कि आजादी के बाद से इस पर गंभीरता से विचार नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि अचूक संपत्तियों का बहुत ज्यादा दुरुपयोग भी हो रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि निश्चित रूप से सरकार का ये एक बहुत अच्छा कदम है। उत्तराखंड के योगी जी से सब चीज का हवाले हो गए, विधायक जी योगी जैसे लगते हैं ना आने वाले योगी। शत्रु संपत्ति का विषय भारत सरकार का है। भारत जो भी लोग 1947 में भारत छोड़ के पाकिस्तान चले गए थे, उनकी जो संपत्ति बची हुई थी वो भारत सरकार ने उसको शत्रु संपत्ति डिक्लेयर किया। आजादी के बाद इस पर गंभीरता से विचार नहीं किया गया और मैं समझता हूँ कहीं उन संपत्तियों का बहुत सारों का दुरुपयोग भी हो रहा है, तो निश्चित रूप से सरकार का ये बहुत सराहनीय कदम है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।